Hello, students. How are you? I hope you all are doing well. Now, students, as you know, this is your environmental study class, and today you will read Looking Around Textbook, Class 5th, EVS, Chapter Number 8. Okay, up you go. And, students, this is video 1, alright? This is video 1 of chapter number 9. So, let's start, students. ऑल राइट सो चैप्टर नाइन अप यू गो अप मीन्स ऊपर यू मीन्स तुम गो मीन्स जाओ तुम ऊपर जाओ या ऊपर चढ़ो अप यू गो ओके स्टूडेंट्स सेकेंड फेबररी नाइनटीन एटी फोर तो ये सेकेंड फेबररी नाइनटीन एटी फोर की बात है माउंटेनियरिंग कैंप ओके माउंटेनियरिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स द स्पोर्ट्स ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन ओके ये किसे बोलते हैं माउंटेनियरिंग द स्पोर्ट्स ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स ओके मीन्स की पर्वतारोहण अभियान पर्वतों में ऊंचे-ऊंचे पर्वतों में चढ़ना क्या कहलाता है माउंटेनियरिंग कहलाता है ये एक अभियान होता है ठीक है एंड कैंप अभियान ओके okay? कैंप जो होता है तो माउंटेनियरिंग कैंप यानी पर्वतारोहण अभियान और Uh, पहाड़ पर चढ़ने का कैंप आप कह सकते हैं ऑल राइट पहाड़ पर चढ़ने का कैंप माउंटेनियरिंग कैंप या पर्वतारोहण अभियान कैंप ऑल राइट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स डेफिनेटली यू ऑल इंजॉय वेरी मच ओके ऑल राइट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी ओके अब ये बात हो रही है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की जो उत्तरकाशी में है हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी में ये है और स्टूडेंट्स जो ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है यहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ना सिखाया जाता है उसकी ट्रेनिंग की जाती है यहाँ पर इंस्ट्रक्टर लोग आते हैं जो ट्रेंड करते हैं भविष्य में बनने वाले इंस्ट्रक्टर्स को ठीक? है? जो कि स्टूडेंट्स को या किसी भी व्यक्ति को पर्वतारोहण सिखाते हैं ऑल राइट right? पर्वतारोहण के लिए ट्रेंड करते हैं तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आप सभी लोग इसमें बहुत इंजॉय करेंगे सो लेट्स सी वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप and were very excited 20 of us were teachers from kendri vidyalayas there were other women from banks and other institutions okay सो स्टूडेंट्स वी वर ऐट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड ठीक है तो जो अपने इस कोर्स के बारे में बता रहे हैं हम अभी आपको उसका नाम बताएंगे आगे लेटर वी विल टेल यू तो वह बता रहे हैं कि वी वर ऐट द माउंटेनियरिंग कैंप ओके पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब एकत्रित हुए हम सब लोग कैंप में थे ओके एंड वर वेरी एक्साइटेड और हम सभी बहुत खुश थे बहुत उमंग से भरे हुए थे एक्साइटेड मीन्स बहुत उत्सुक थे खुश थे हम सब लोग कि हम सभी पर्वतारोहण अभियान पर जा रहे हैं थे ओके okay? ट्वेंटी ऑफ अस व टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय और उनमें से बीस लोग ठीक है करीब बीस लोग केंद्रीय विद्यालय के वी के टीचर्स थे ठीक है बीस लोग हम में से टीचर थे जो कि केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग करते थे देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ओके इंस्टीट्यूशंस में संस्थान तो देयर वर अदर वुमेन कुछ और महिलाएं भी थीं जो बैंक और दूसरी अदर इंस्टीट्यूशंस दूसरी संस्थाओं से थी ओके टुडे वाज़ द सेकंड डे ऑफ द कैम्प इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बैट एंड पुट माय फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन आई रिमेम्बर्ड येस्टरडेज 26 सिक्स किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्सक ऑन माई I was afraid to go back to that sleigh steep climb and the rough narrow path. टुडे वाज़ अ सेकेंड डे ऑफ द कैंप तो ये बताते हैं कि आज कैंप का दूसरा दिन था ठीक है तो वे कहते हैं आज कैंप का दूसरा दिन था इन द मॉर्निंग सुबह एज आई गॉट आउट ऑफ बेड सुबह जैसे ही मैं बिस्तर से मैंने नीचे पाँव रखे एंड पुट माई फुट डाउन सुबह जैसे ही मैंने जैसे ही मैं उठी और मैंने बिस्तर से नीचे पाँव रखे आई स्क्रीम्ड इन पेन स्क्रीम्ड मीन स्क्राइट स्क्रीम्ड मीन स्टूडेंट्स क्राइट पेन मीन दर्द में चिल्लाई जैसे ही मैं उठी वो बता रही हैं और जैसे ही मैंने अपने पाओं जमीन में रखे तो मैं दर्द से चिल्लाई आई रिमेंबर्ड मुझे याद आया ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर वॉक विद विदेवी रक्सक ऑन माई बैक तो मुझे याद आया कि कल ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर भारी थैले रक्षक मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ बिग बैग अ बिग बैग दैट इज़ यूज फॉर कैरिंग थिंग्स ऑन यूर बैग ठीक है जिसे हम पिट्ठू भी कहते हैं ना पीठ थैला तो उसे याद आया कि कल वह ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर भारी बैग के साथ अपनी पीठ में चली थी ओके okay? तो जैसे ही उसे याद आया कि कल तो मैं 26 किलोमीटर में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे क्योंकि माउंटेरिंग पाथ कैसा होता है ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है तो उसको पता चला कि कल तो एक ही दिन में मैं पहाड़ी मैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्वेंटी किलोमीटर में चली थी ओके I remembered yesterday रिमेम्बर्ड यस्टरडे kilometer walk with a heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. ठीक है तो उसको याद आया कि आ, एक ही दिन में पहाड़ी स, पहाड़ी संकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर चलना वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर तो वे कहती है कि कल का वह दिन था जो कि मैं ऐसे संकरे रास्तों पर स्टीप क्लाइंब ठीक है ऊंची नीची जगहों पर रफ नैरो पाथ पर संकरे रास्तों पर मैं चली थी तो मुझे याद आया आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ ओके तो वे क्या कहती है कि आज कैंप का दूसरा दिन है सुबह जैसे ही मैं बिस्तर से उठी और मैंने अपने पाँव नीचे रखे मैं दर्द से चिल्लाई और मुझे याद आया कल की 26 किलोमीटर की वॉक वो भी पीठ पर भारी पिट्ठू थैला लिए हुए आई वॉज ए मैं डर गई थी टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइम एंड द रफ नैरो पाथ क्योंकि मुझे वे उस चढ़ाई पर जा गई थी मैं एंड रफ़ नैरो पाथ और वैसे रास्ते रफ संकरे रास्तों पर उबड़ खाबड़ रास्तों पर संकरे रास्तों पर मुझे चलना कल पड़ा था विथ टीयर्स इन माई आईस मेरी आंखों में आंसू आ गए आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स आई वॉच थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड ओके विथ टीयर्स इन माई आईज तो वे कहती हैं कि मैं आँखों में आंसू लिए आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोवली मैं धीरे धीरे चलने लगी टुवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे की ओर मैं आँखों में आंसू लिए कमरे में जाने लगी ओके आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक ओके तो वे कहती है कि मैं मन ही मन सोच रही थी आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रही थी कि मैं आज के ट्रैक के बारे में ट्रैक मीन्स पैदल यात्रा अलॉन्ग हार्ड वॉक फॉर सेवरल डेज और वीक्स और डेज ओके मीन्स कि लंबी पर्वतों की लंबी कठोर पैदल यात्रा को ट्रैक बोला जाता है क्या बोला जाता है स्टूडेंट Track. Track means a long hard walk for several days. ओके और सम डेज और वीक्स मीन्स पर्वतों की लंबी कठोर कठिन पैदल यात्रा उसको ट्रैक बोला जाता तो वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे की ओर धीरे धीरे आंखों में आंसू लिए हुए जा रही थी जो कि और कौन थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह द डायरेक्टर ऑफ अवर एडवेंचर कोर्स एडवेंचर कोर्स के हमारे डायरेक्टर वे थे ओके आई वॉच थिंकिंग मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं आज की यात्रा के बारे में क्या बहाने उनको बताऊंगी मैं क्या कहूंगी उनसे मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे कि मुझे आज के ट्रैकिंग में आज की यात्रा में न जाना पड़े ओके सडनली आई हर्ड दिस डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड अचानक से मुझे आई हर्ड मैंने सुना हिज डीप वॉइस ओके अचानक से मैंने उनकी डीप वॉइस भारी सी आवाज़ फ्रॉम बिहाइंड पीछे से सुन सुनी ठीक है जैसी वो उनके ऑफिस में जा रही थी और सोचते हुए जा रही थी कि वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो कि एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर हैं मैं उनसे क्या कहूँगी कि आज की यात्रा में मुझे ना जाना पड़े तो इतने में अचानक से उसको पीछे से उनकी भारी आवाज़ सुनाई दी मैडम वट आर यू डूइंग एट ब्रेकफास्ट टाइम हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम टी स्टमक Okay. तो उसको पीछे से क्या आवाज़ आई उस आवाज में उन्होंने कहा मैडम वट आर यू डूइंग हेयर एट ब्रेकफास्ट टाइम आप सुबह के नाश्ते के समय यहाँ पर क्या कर रही हो हरि अब जल्दी करो अदरवाइज नहीं तो यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एमटी स्टमक एमटी मीन्स खाली पेट नहीं तो तुम्हें यात्रा खाली पेट करनी होगी ओके okay, तो जैसे ही वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम में जा रही थी तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी और उन्होंने कहा मैडम नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं हरी अब जल्दी करिए वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा ओके okay, तो वो बोलती है सर सर आई कुड नॉट से एनी मोर और वो कहती है कि मैं सर सर ही कहती रह गई और मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकी ओके यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लेस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक इज नॉट इट इज इट तो वे क्या कहते हैं वे कहते हैं कि यू हैव कम टू टेल मी तुम मेरे पास आई ओके यू हैव कम टू टेल मी तुम मेरे पास मुझे यह बताने आई दैट यू हैव ब्लेस्टर ऑन योर फीट ब्लेस्टर्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स छाले कि पैरों में छाले पड़े हैं दैट यू कैन नॉट वॉक तो आप नहीं चल सकते इज इंट ऐसा ही है ना तो वे क्या कहते हैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह पैरों में छाले पड़े हैं चल नहीं सकती यही कहना चाहती है ना आप तो वे कहती हैं यस सर हाँ जी हाँ सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं और मैं आज की यात्रा में नहीं जा सकती तो फिर सर कहते हैं दैट इज़ नथिंग न्यू ओके नाउ गेट रेडी क्विकली तो वे कहते हैं दैट इज़ नथिंग न्यू यह कोई नई बात नहीं है नाउ गेट रेडी क्विकली अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ ओके okay? I hung my hat and rushed back to get ready. Okay, I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group member. Okay, you will lead group member, group number seven. You will have to help any member. Who has difficulty climbing the mountain? You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. Okay. तो वे क्या कहते हैं उन्होंने क्या किया उसके बाद आई हंग माई हैट एंड रस्ट बैक टू गेट रेडी तो वे कहती हैं कि मैं अपना सिर या अपना मुंह लटकाए हंग मीन्स लटकाना ठीक है तो मैं अपने सिर को लटकाए हुए मीन्स उदास होकर अपना चेहरा लटकाते हुए चल पड़ी ओके और कहाँ चल पड़ी रस्ट बैक टू गेट रेडी जल्दी से तैयार होने के लिए तो वे कहती है मुंह लटकाई जल्दी तैयार होने के लिए आई हैड जस्ट टर्न मैं जैसे ही मुड़ी ओके okay, मैं अभी अभी जैसे ही मुड़ी व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन मुझे फिर से उनकी आवाज़ सुनाई दी ओके लिसन मैडम तो वे क्या कहने लगे मैडम सुनिए यू विल लीड ग्रुप नंबर सेवन आप ग्रुप नंबर सात की लीडर रहेंगी ओके okay? आप क्या करेंगे ग्रुप नंबर सात को समूह सात को लीड करेंगे, उनकी लीडर रहेंगी यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन तो उन्होंने क्या कहा यू विल हेल्प यू विल हैव टू हेल्प आपको मदद करनी होगी एनी मेंबर किसी भी सदस्य की हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन जिसको पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होगी तो ब्रिगेडियर सर ने क्या कहा उन्हें मैडम सुनिए आप ग्रुप नंबर सात के लीडर रहेंगी और किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी ओके यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स, ओके तो उन्होंने यह भी कहा कि पहाड़ों पर ओके इन द माउंटेन्स पहाड़ों पर ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं यह आप सबको बताया जा चुका है ओके okay? तो देखिए जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के डायरेक्टर थे उन्होंने मैडम को यह बताया जो मैडम उनसे कहने जा रही थी कि मेरे पाँव में छाले पड़े हैं और मैं आज की यात्रा नहीं कर सकती और जो दर्द से चिल्ला रही थी उनको ब्रिगेडियर सर ने रिस्पांसिबिलिटी दे दी ग्रुप नंबर सेवन को लीड करने की और उन्होंने यह भी बताया कि ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी भी मेम्बर को पर्वतों में चढ़ने में परेशानी होगी क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम होगी तो वे उनकी हेल्प भी करेंगी ओके okay, स्टूडेंट्स तो नाउन सम क्वेश्चन राइज हेअर टैल हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स ओके हैव यू ऑल्सो क्लाइंड अउंटेन वैन एंड वेअर तो स्टूडेंट सब आपको बताना है हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स क्या आपने कभी पहाड़ देखे हैं क्या कभी आपने पर्वत देखे हैं हैव यू ऑल्सो क्लाइंब अ माउंटेन्स और क्या कभी आप पहाड़ों पर चढ़े हैं वैन कब चढ़े एंड वेयर कहाँ चढ़े सो स्टूडेंट दिस इज अ पर्टिकुलर आंसर फ्रॉम योर साइड ओके तो आप सोचिए और इस आंसर को uh, अपनी रफ कॉपी में लिखिए लेटर आई विल आस्क टू यू दिस यूर वेन अवर स्कूल विल ओके अदरवाइज आप try to give this answer yourself. आप ट्राई टू गिव दिस आंसर खुद से इस आंसर को देने की कोशिश करिए एंड डेफिनेटली यू ऑल हैव दिस आंसर ओके एंड आई श्योर दैट यू सीन द माउंटेन्स ओके आपने माउंटेन्स जरूर कभी ना कभी देखे हैं ऑल राइट right? तो आप लिख सकते हैं आप बोल सकते हैं येस yes, आई हैव सीन द माउंटेंस ओके इन माई विलेज या फिर आपने गाँव में नहीं देखे या आप कहीं uh, किसी हिल स्टेशन पर जब आउटिंग में गए हों घूमने गए हों तो तब आपने देखे होंगे हैव यू ऑल्सो क्लाइंब्ड अ माउंटेंस मे बी स्टूडेंट्स यू ऑल्सो यू हैव ऑल्सो क्लाइं अ माउंटेन्स एंड इफ यू हैव नॉट क्लाइंब सो यू कैन से दैट नो आई हैव नॉट क्लाइंब्ड अ माउंटेंस इफ़ यू हैव क्लाइंब्ड स्टूडेंट सो यू हैव टू राइट वैन यू क्लाइंड एंड वेयर यू

या कितने जब आप माउंटेन में गए या आप कभी ट्रैकिंग में गए तो तुम एक ही बार में पैदल कितना दूर तक चले हो तो हो सकता है स्टूडेंट्स आप एक बार में इट्स डिपेंड ऑन योर स्टैमिना ठीक है आप कहाँ गए कितना स्टैमिना आपके पास है पैदल चलने का ऑल राइट right, तो आप लिख सकते हैं आई हैव वॉकड एट वन टाइम टेन किलोमीटर फाइव किलोमीटर जितना भी आप चले हैं ठीक है हाउ फार कैन यू वॉक और आप कितना चल सकते हो अगर आप फाइव किलोमीटर चले हैं तो आपको अनुमान लगाना है अंदाजा लगाना है कि आप और कितना चल सकते हो ठीक है अगर आप फाइव किलोमीटर चले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किलोमीटर आई कैन वॉक ओके आफ्टर दैट ऑल राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इमेजिन अब आपको कल्पना करनी है इमेजिन करना है क्या कल्पना करनी है आपको What do you think about the paths on the mountains? Draw a picture. Okay, अब आपको बताना है कि पहाड़ों पर चढ़ने के पाथ पाथ means रास्ते पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे ठीक है कैसे पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते होते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा ट्रैकिंग में कि पहाड़ों के रास्ते कैसे होते हैं पहाड़ों के रास्ते बहुत रफ़ पाथ होता है स्टीप क्लाइंब होता है एंड अन ईवन सरफेस पर आपको वॉक करना पड़ता है ओके तो जैसे भी आपका एक्सपीरियंस जो भी है तो आप उस एक्सपीरियंस को एक पिक्चर के थ्रू ठीक है आप ड्रॉ करेंगे एंड व्हेन आई विल स्टार्ट यूर राइटिंग वर्क ऑफ दिस चैप्टर देन आई विल टेल यू वेयर यू हैव टू पेस्ट दिस पिक्चर सो यू गेट रेडी विद दिस पिक्चर ओके इन योर स्पेर टाइम ऑल राइट तो खाली समय पर आप माउंटेन पाथ का ड्राइग्राम बनाएंगे ड्रॉ करेंगे और उसको अपने कलेक्शन में पिक्चर कलेक्शन में रखेंगे ऑल राइट नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ी जिम्मेदारी

Help those who cannot climb properly. Find a good place to stop and rest. Look after those who are not well. Arrange for food for the group. The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. Okay. I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. Okay. नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वट अ लीडर मस्ट डू तो अब वे कहते हैं कि ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी ओके okay? मीन्स कि एक ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारी होती है वह क्या है तो वे कहती हैं मैं सोचने लगी अबाउट अ वट अ लीडर मस्ट डू कि एक ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं या एक ग्रुप लीडर को क्या चीज़ें करनी चाहिए फर्स्ट वन हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करनी इन कैरिंग देअर बैग्स ओके ओके उनका सामान उठाने में तो मीन्स की बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फर्स्ट ड्यूटी होती है लीडर की ओके नाउ सेकेंड लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना ओके okay, नेक्स्ट हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली उनकी मदद करना जो, okay? जो चल ना पाए ओके जो ठीक से चढ़ नहीं सकते पहाड़ों पर उनकी सहायता करना नेक्स्ट फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट ओके अच्छे स्थान का पता लगाना रुकने के लिए और आराम करने के लिए मीन्स रुकने के लिए सही जगह ढूंढना लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल उनकी देखभाल करना जो ठीक नहीं है जो बीमार हो जाते हैं या ठीक नहीं होते ओके अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप और ग्रुप के लिए सभी के लिए समूह के सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था

हंसते हुए उसकी सजा उसको हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सबसे ज़रूरी बात इज़ टू बी रेडी तैयार रहना टू बी पनिस्ड पनिशमेंट के लिए सजा पाने के लिए इवन वेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक यदि आपके ग्रुप में कोई गलती हो जाती है या ग्रुप में कोई गलती कर लेता है ओके I realized that there was a special kind of discipline here. ओके okay, और वे वो कहती है कि मैंने मैं समझ गई आई रियलाइज्ड मुझे समझ आ गया दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर यहाँ पर एक विशेष प्रकार का डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन है ठीक है तो वो कहती है मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में ही बिल्कुल अलग है विशेष है ओके आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फाइन ओके तो वे कहती हैं कि आई वंडर मैं आश्चर्यचकी थी मैं सोच रही थी वेदर द कैंप विल स्टिल बी फाइन क्या कैंप में मजा आएगा क्या कैंप में अब भी मजा आएगा तो वे इस बात को सोचने लगे ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर सेवन हेयर वी विल इंट्रोड्यूस्ड ग्रुप नंबर सेवन ग्रुप नंबर सेवन में क्या क्या है कितने लोग हैं और इसके अदर इंट्रोडक्शन्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे ओके ग्रुप नंबर सेवन समूह सात ओके या ग्रुप नंबर सात ग्रुप नंबर सेवेन इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम मणिपुर मिजोरम मेघालय एंड नागालैंड आई वॉच द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप आई वॉच हैप्पी टू मीट माय न्यू ग्रुप मेंबर्स Group members, most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Khundobi from Mijoram. She spoke only Mizu. बट इन आर हार्ट वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर तो देखिए ग्रुप नंबर सेवन में कौन कौन लोग थे और क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही थी तो वे कहती हैं ग्रुप नंबर सेवन इनक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम मणिपुर मिज़ोरम मेघालय एंड नागालैंड वे कहती हैं ग्रुप नंबर सात में आसाम मणिपुर मिजोरम मेघालय और नागालैंड नागालैंड से लड़कियाँ शामिल थी ओके सारी लड़कियां कहाँ थी ग्रुप नंबर सेवन में आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप तो वे कहती हैं कि मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर इस ग्रुप में थी आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स आई वॉज हैप्पी मैं खुश थी टू मीट मीन्स मिलना माई न्यू न्यू ग्रुप मेंबर मेरे नए समूह के सदस्यों से मैं अपने नए ग्रुप के मेंबर्स से मिलकर काफी खुश थी मोस्ट ऑफ देम उनमें से बहुत अधिक कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल हिंदी ठीक से नहीं बोल सकते थे आई स्टिल फील बैड मुझे अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा था दैट आफ्टर बींग टूगेदर फॉर ट्वेंटी वन डेज ओके तो वे कहती है मुझे आज भी दुख है कि मैं एक इक्कीस uh, दिनों तक हम साथ रहे बट आई कुड नॉट टॉक इवन ई वंस विथ खुंडोबी फ्रॉम मिजोरम तो वे कहती मुझे इस बात का दुख है कि मैं मिजोरम की खुंडोबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई ओके सी स्पोक ओनली मीजो क्योंकि उसे केवल मीजो भाषा ही आती थी ना वो हिंदी बोल सकती थी ना वो हिंदी समझ सकती थी ना वो इंग्लिश बोलती थी ना वो इंग्लिश समझ सकती थी उसे केवल मीज़ो भाषा ही आती थी तो मुझे इस बात का दुख है कि इक्कीस हम साथ रहे लेकिन मैं खुंडोबी से बात नहीं कर पाई ओके बट इन अवर हार्ट वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर लेकिन फिर भी बट इन अवर हार्ट्स लेकिन फिर भी हमारे दिल वी ग्रो क्लोज काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के तो वो कहती है लेकिन फिर भी हमारी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे ओके स्टूडेंट्स ना स्टूडेंट्स टैल वी हैव टू टैल सम क्वेश्चन ऑल राइट सो ट्राई टू गिव आंसर स्टूडेंट्स एंड आई एम टेलिंग यू आंसर्स सो यू लिसन ऑल राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर ओके तो स्टूडेंट्स वट डू यू थिंक आप क्या सोचते हो अबाउट बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियाँ ऑफ अ ग्रुप लीडर ए ग्रुप लीडर की तो so, स्टूडेंट्स आप बताइए कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो ठीक है तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अपने स्कूल के प्रेसिडेंट हैं या हेड बॉय हैं हेड गर्ल हैं या आप अपनी क्लास के मॉनिटर हैं तो क्या है? स्कूल का हेड बॉय होना हेड गर्ल होना या मॉनिटर होना बहुत ईजी टास्क है नो स्टूडेंट्स ठीक है ये ईजी टास्क नहीं है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबल वर्क है ओके okay? आपका क्लास का मॉनिटर होना बिकॉज आपको पूरे क्लास को एक साथ लेकर चलना है क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है और क्लास में आपको पार्सलिटी नहीं करनी अदर ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाती हैं तो ये ग्रुप लीडर होना या आ, क्लास मॉनिटर होना या स्कूल का हेड बॉय होना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क स्टूडेंट्स ओके एंड ऑफ गिविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो ऑल राइट तो आप कह सकते हैं कि वट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर तो आप ये बोल सकते हैं दर responsibilities of a group leader are very challenging and of giving self satisfaction okay तो so students जो responsibility होती है group leader की यह बहुत ही challenging होती है और इसमें बहुत ज़्यादा self satisfaction होना जरूरी होता self satisfaction हमें मिलता है अगर हम अच्छा इसमें कार्य करते हैं okay नाउ second वन how वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच a कैंप तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आ, हम ये पूछेंगे कि अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुन लिया जाए या आपको लीडर बना लिया जाए तो how वुड यू फील आप कैसा महसूस करोगे तुम्हें कैसा लगेगा यदि तुम्हें ऐसे किसी कैंप में लीडर चुना जाए ओके okay, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स अगर आ, बात क्लास मॉनिटर की स्कूल के हेड बॉय प्रेसिडेंट की या फिर ऐसे ग्रुप लीडर की होती है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एवरीवन फील वेरी नाइस एंड इट ग्रो कॉन्फिडेंस ओके इट वुड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूअर क्लास यूअर स्कूल एंड यूअर टीम मेम्बर और तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसे कैंप का ग्रुप लीडर बनाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप रिस्पॉन्सिबल होंगे ओके okay? आप आपको आपके ऊपर पूरे टीम मेंबर की क्या हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी और साथ में स्टूडेंट्स आप कैसा फील करोगे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे ऑल राइट right? तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन आफ्टर आई विल टेल यू आंसर हाउ वुड यू फील इफ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप ओके सो यू विल से If I were made a leader in such a camp, it would बूस्ट माई कॉन्फिडेंस ध्यान रखिए स्टूडेंट्स अगर आप कुछ ऐसे वर्क करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है तो आप क्या बोलेंगे एट वर्ट बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टीम मैंबर तो जब आपको कोई इतनी अच्छी पोस्ट देता है आपको क्लास मॉनिटर बनाता है हेड बॉय हेड गर्ल बनाता है या ग्रुप लीडर बनाता है तो स्टूडेंट्स आप बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करते हो और आपको रिस्पॉन्सिबल फील होना भी चाहिए अपनी टीम मैम्बर के लिए अपने साथ के स्टूडेंट्स के लिए कंपेनियन के लिए क्लासमेट्स के लिए ऑल राइट सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर यू कैन से दैट इफ आई वर मेड अ लीडर इन सच अ कैम्प इट वुड बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई टीम मेंबर स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज अ मोनिटर इन योर क्लास हैव टू डू तो स्टूडेंट्स आपकी क्लास में मोनिटर क्या करता है ठीक है और मॉनिटर की आप कह सकते हैं क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वर्क क्लास मॉनिटर का होता है फर्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास मॉनिटर के लिए है दिस इज टू मैंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास की क्लास का सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है एक मॉनिटर को ठीक है अगर आपकी क्लास डिसिप्लिन है तो आपकी क्लास बहुत ही वेल क्लास होगी और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वे द प्रॉब्लम्स ठीक है टू कन्वे द प्रॉब्लम्स ऑफ आई स्टूडेंट्स टू द कंसर्न टीचर और हेड मास्टर और प्रिंसिपल ठीक है मॉनिटर की जो सबसे बड़ी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम को उनके रिगार्डिंग टीचर तक या प्रिंसिपल तक पहुंचाना ठीक है अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही किसी स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम सफर कर रहा है या वो कोई मैसेज देना चाहता है तो वो आपके थ्रू दे सकता है एंड इट्स योर ड्यूटी इट्स योर रिस्पॉन्स

वे द प्रॉब्लम्स ऑफ अ स्टूडेंट्स टू द कंसर्न टीचर और प्रिंसिपल और एज वेल एज मैनेजमेंट ओके तो आप क्या करते हैं पहला मॉनिटर का वर्क तो क्या होता है क्लास में अनुशासन को बनाए रखना दूसरा होता है किसी स्टूडेंट्स की समस्या को किसी स्टूडेंट्स की परेशानियों को संबंधित टीचर से या फिर प्रिंसिपल को मैसेज देना प्रिंसिपल को बताना और Now, last one, students, would you like to be the class monitor? Why? Okay. क्या तुम क्लास मॉनिटर बनना पसंद करोगे अगर करोगे तो वाई क्यों आप पसंद करोगे तो स्टूडेंट्स एवरी वन वुड लाइक टू बी क्लास मॉनिटर आई श्योर कि प्रत्येक बच्चे को क्लास मॉनिटर बनना बहुत पसंद होता है और क्यों पसंद होता है बिकॉज इट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओके वेरी कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस टू लीड यूर क्लास और राइट तो क्यों आप लोगों को मॉनिटर बनना पसंद होता है क्योंकि आपको मॉनिटर बनना इसलिए पसंद होता है क्योंकि जो ये एक्सपीरियंस है वंडरफुल होता है आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो और आपको का, काफी ड्यूटीज मिलती हैं जिन ड्यूटीज को आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो ऑलराइट तो यू कैन से क्योंकि आपको अपनी क्लास को लीड करने का एक बहुत अच्छा अनुभव आपको मिलता है अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन विथ आंसर वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर why okay so you will say that yes i would like to be class monitor it will be a wonderful experience to lead my class all right नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट क्रॉसिंग द रिवर ओके नदी को पार करना जब नदी आप पार की आपने तो वे बता रही हैं फाइव फेबर नाइनटीन एटी फोर को उन्होंने रिवर क्रॉसिंग की यानी नदी को क्रॉस किया रीड स्टूडेंट्स अबाउट दिस वी गॉट वाइटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आर ब्रेकफास्ट These were given for strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. We tied our bandages and counted the days left. After an 8 kilometer track we reached a river. There was a thick rope Tied across the river from one bank to the other. The rope was tightly fixed to packs or pythons or both the sides. I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. Okay. So, students, here you can see the picture of river crossing. Okay. तो इन्होंने नदी कैसे पार करी तो वे बताती हैं कि फाइव फेबररी नाइनटीन को उन्होंने रिवर क्रॉसिंग की थी ओके सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स अबाउट द रिवर क्रॉसिंग और क्रॉसिंग द रिवर ओके वी गॉट वाइटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ अब ब्रेकफास्ट तो वे कहती हैं कि हमें हमारे ब्रेकफास्ट में विटामिन सी आयरन टॉब आयरन टैबलेट आयरन की गोलियाँ और गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वॉम इन द कोल्ड तो वे कहते हैं उनको वाइटामिन सी आयरन टैबलेट्स और गरम चॉकलेट मिला हुआ दूध क्यों मिला बिकॉज दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ क्योंकि ये हमें ज़्यादा शक्ति एंड टू कीप अस वॉम इन द कोल्ड और सर्दी में ठंड से बचाव देते हैं ये इसलिए दिए जाते हैं दीज आर गिवन ये इसलिए दिए जाते हैं स्ट्रेंथ मीन्स ताकत या शक्ति मिलने के लिए एंड टू कीप अस और हमें ठंड में गर्म रखे इसके लिए हमें वाइटामिन सी आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क ब्रेकफास्ट में दिया गया Every morning there would be a medical checkup. प्रत्येक सुबह वहाँ पर हमारा मेडिकल चेकअप होता था सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता था We tied our bandages and counted the days left. तो वे कहते हैं कि पट्टियाँ बांधते और दर्द को आ, फील करते हुए वी टाइट अवर बैंडेजेस हम पट्टियाँ बांधते हुए और अपना जो भी दर्द होता था उसको सहन करते हुए काउंटेड द डेज लेफ्ट कितने दिन हमारे इस कोर्स में बचे हैं इस ट्रेनिंग कोर्स में बचे हुए हैं उन दिनों को हम काउंट करते थे क्योंकि हर दिन क्या होता था हमें पट्टियाँ पैरों में बांधनी पड़ती थी और हमें बहुत सारा दर्द होता था ओके आफ्टर एन एट किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर तो वे कहते हैं कि आठ किलोमीटर की लंबी कठोर यात्रा के बाद वी रीस्ट अ रिवर हम नदी में पहुंचे हम एक नदी में पहुंचे देर वॉच अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर तो वे कहती हैं कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा थिक मीन्स मोटा रोप मींस रस्सी एक मोटी रस्सी बधी हुई थी अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर तो वे कहते हैं कि आठ किलोमीटर की लंबी कठोर यात्रा के बाद हम एक नदी के पास पहुंचे वहां पर एक मोटी रस्सी नदी के एक कोने से दूसरे कोने तक बधी हुई थी द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पैक्स और पैटर्न ऑन बोथ द साइड्स पैक्स और पेट मींस होता है स्टूडेंट्स खूटे ओके खूटों से बधा होना पेटॉन ठीक है पैग और पेटॉन मींस की खूटे से बधा होना जो खूटे बने रहते हैं जो पेच बने रहते हैं जिस पर रस्सियाँ फंसाई जाती हैं ओके okay, तो वह कहते हैं इन दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिटॉन्स थे ठीक है बड़े बड़े क्या थे पिटॉन्स और खूटे बने हुए थे आई वॉज फीलिंग नर्वस तो वह कहती है कि मुझे नर्वस मैं नर्वस महसूस करने लगी मुझे बेचैनी होने लगी मैं डरने लगी आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट दट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट तो मैं यह सोचना शुरू कर दिया मैंने कि वट वुड हैपन क्या होगा कहीं अगर इफ द रोप केम आउट केम आउट मींस खुल जाएगी कि यदि रस्सी खुल जाएगी तो क्या होगा अगर रस्सी खुल गई तो ओके आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉच और मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई को एस्टिमेट कर रही थी आंख रही थी नदी की चौड़ाई को नापने की मैं मन ही मन कोशिश कर रही थी कि अगर मैं इसमें गिर गई तो मेरा क्या होगा तो कई विचार उसके मन में आ रहे थे ओके okay. Now, next paragraph. Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it he then put the sling on the thick rope tied across the river walking through the icy water he went to the other side no one was ready to step into the fast flowing river everyone was pushing each other to go first i stood last in the line hoping that no one would see me just then our instructor our instructor came near me with the sling and rope in his hands i knew there was no escape now i watched ready but did not have the courage okay but did not have the courage sir could guess my fears he called out loudly थ्री चीयर्स फॉर संगीता मैडम एंड बिफोर आई न्यू इट समन हैड जेंटली पोस्ट मी इन टू द वॉटर ओके तो वे क्या कहते हैं अवर इंस्ट्रक्शन टाइट अ रोप अराउंड हिच वेस्ट एंड पुट आ स्लिंग ओके पुट आ स्लिंग तो वे बोलते हैं स्लिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स थ्रो समथिंग समवेयर इन अ रफ और केयरलेस वे मीन्स की लापरवाही से किसी चीज़ को फेंक देना लटका देना टाइप ऑफ होक होता है ठीक है जिससे कि वह वहाँ पर से नहीं टूटती तो वह कहते हैं कि अवर इंस्ट्रक्टर हमारे प्रशिक्षक ने इंस्ट्रक्टर मीन्स प्रशिक्षक ने टाइट अरोप रस्सी को बाँधा अराउंड हिज वेस्ट कमर के चारों ओर तो वे कहते हैं कि हमारे प्रशिक्षक ने कमर प्रशिक्षक ने कमर पर चारों ओर से रस्सी बाँधी एंड पुट अलिंग टाइप ऑफ होके और उसमें एक स्लिंग यानी एक तरह का हुक डाल दिया लगा दिया ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर और उसके बाद उन्होंने उस स्लिंग को नदी पर बधे मोटे रस्ते पर डाला ओके okay, मोटे रस्ते पर उसे फंसा दिया वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड और बर्फीले पानी पे वॉक करते हुए ठीक है अदर साइड बर्फीले पानी पर वॉक करते हुए चलते हुए वे नदी के पार चले गए नो वन वॉच रेडी टू स्टैप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर और कोई भी तैयार नहीं था ओके नो वन वॉच रेडी कोई भी तैयार नहीं था उस तेज फ्लोइंग वाटर तेज बहते हुए पानी पर उतरने के लिए ओके नो वन वॉच रेडी टू स्टैप कोई भी कदम रखने को तैयार नहीं था उतरने के लिए नहीं तैयार था फास्ट फ्लोइंग रिवर तेज बहते हुए पानी पर एवरी वन वॉच पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट और प्रत्येक व्यक्ति पुशिंग में धक्का दे रहा था ईच अदर एक दूसरे को टू गो फर्स्ट की पहले तुम जाओ आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी और मैं लास्ट में खड़ी रही और ऐसा सोच रही थी ऐसी होप कर रही थी कि कोई भी मुझे नहीं देखेगा जस्ट देन ठीक तभी अवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी ये मेरे जो प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर थे ठीक है तो जैसे ही मैं आ, मेरे जो प्रशिक्षक थे वे मेरे पास आ गए विथ स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड अपने हाथ में स्लिंग लेकर हुक और रस्सी लेकर तभी प्रशिक्षक मेरे पास आकर खड़े हो गए आई न्यू देअर वॉच नो एस्केप नाउ एस्केप मीन्स बचकर निकल जाना ठीक है मैं जानती थी कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता अब मैं नहीं बच सकती अब बचाव का कोई रास्ता नहीं है आई तैयार तो हो गई थी क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था लेकिन मुझ पर साहस भी नहीं था सर कुड गैस माई फेयर सर ने अंदाजा लगा लिया मेरे डर का सर मेरे मन की हालत को समझ गए ही कॉल्ड आउट लाउडली उन्होंने मुझे जोर से बुलाया थ्री चेयर्स फॉर संगीता मैडम उन्होंने कहा कि थ्री चेयर्स फॉर संगीता मैडम के लिए थ्री चेयर्स करो ओके okay? एंड बिफोर आई न्यू इट इससे पहले कि मैं जानती समवन है जेंटली पुस्ड मी इन टू द वॉटर इसके साथ ही किसी ने मुझे हल्के से पानी में धकेल दिया मुझे पानी में धक्का दे दिया ठीक है तो मेरे उन वो कहती मेरे मन की हालत को सर समझ रहे थे मेरे प्रशिक्षक समझ रहे थे और वे ज़ोर से बोले थ्री चेयर्स फॉर संगीता मैडम संगीता मैम को चेयर्स करो और उन, उन किसी ने मुझे पीछे से हल्के से धक्का पानी i felt as if my feet were frozen i started severing my teeth were chattering i caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed okay as i walked further in the river got deeper and slowly the water reached up to my neck

ऐसा लगा कि मेरे पैर क्या हो गए हैं फ्रॉजन हो गए मीन्स कि जम गए हैं मेरे पाँव सुन्न हो गए हैं आई स्टार्टेड सीवरिंग सीवरिंग मीन्स स्टूडेंट्स कांपना ओके मैं कांपना कप कपाना शुरू मैंने कर लिया माई टीथ वर चैटरिंग और मेरे जो दांत थे वे बातें करने लगे गए मीन्स किट 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 करके बज रहे थे ओके आई कॉट हॉल्ट ऑफ द रॉप ओके एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फॉर्मली ऑन द रिवर बैड तो वे कहती है आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप ओके मैंने रस्सी पकड़ ली एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फॉर्मली ऑन द रिवर बैड ओके और मैं क्या करी मैंने रस्सी तो पकड़ ली और पैर जमाते हुए चल रही थी ओके okay, पैर जमाते हुए कहाँ पे चल रही थी ऑन द रिवर बैड मतलब रिवर के ऊपरी ओर को ऊपरी परत पर मैं चलने लगी पानी के ऊपर समतल पर मैं पैर दबा कर फॉर्मली मीन्स फॉर्मली मीन्स दृढ़ निश्चय से मीन्स कि दबा कर मैं चलने लगी एज आई वॉकड फर्दर इन जैसे ही मैं इसके ऊपर चल रही थी द रिवर गो डीपर एंड स्लोली द वॉटर अप टू माई नेक ओके और जैसे ही मैं इस पर पैर जमा कर चल रही थी किनारे पर तो पानी कम था पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया इन द मिडिल ऑफ द रिवर नदी के मिडिल मीन्स बीच में आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग मैंने अपना संतुलन खो दिया एंड स्टार्टेड स्लीपिंग और मैं फिसल गई ठीक है जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंची जमीन पर मेरे पैर नहीं टिक रहे थे फिसल रहे थे और मैं क्या हो गई मे, मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं फिसल गई आई वॉट सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड मैं स्केयर्ड मीन्स डरना फेल्ट महसूस किया सो so कोल्ड बहुत ठंडा मैं डर गई मैं बहुत डर गई एंड मैंने बहुत ठंडा महसूस किया दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स और इस प्रकार से रस्सी मेरे हाथ से छूट गई आई स्टार्टेड साउटिंग फॉर हेल्प और मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी ठीक है तो वे क्या कहती हैं कि जैसे ही नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे तो मैं फिसल गई और डर घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी ओके आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाई द रिवर बट नो आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग होल्ड द रोप होल्ड द रोप आई कुड हियर द साउट आई सम हाउ मैनेज to get hold of the rope and pull myself forward slowly with some courage I reached the river bank I felt a special kind of happiness as I came out of the water happiness on finishing a challenging task now standing on the bank I watched calling out to the others to hold the rope tightly I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage okay now उसके बाद क्या हुआ जब वो चिल्लाने लगी मदद मदद के लिए तो वे कहती है कि आई वॉज श्योर ओके आई वुड बी carried अवे by द रिवर मैं श्योर थी मुझे पूरा विश्वास था कि क्या होगा जब मैं चिल्ला रही थी तो मुझे लगा कि अब तो क्या होगा मुझे कोई ना कोई नदी से बाहर ले जाएगा ओके okay, तो उसको अब लगा कि जैसे ही वो चिल्लाने लगी तो उसे लगा कि अब तो वह नदी के साथ ही कैरिड अवे मीन्स नदी के साथ ही वह बह जाएगी आई वॉड श्योर आई कुड बी कैरिड अवे बाई द श्योर जब वह चिल्ला रही थी तो उसको लगा था कि आई वुड बी कैरिड अवे बाई द रिवर मैं नदी के द्वारा बहा ली जाऊँगी Means कि मैं नदी में बह जाऊंगी बट नो no, लेकिन नहीं आई फाउंड मैंने पाया दैट आई वॉज टाइट विद रोप टू दिलिंग लेकिन मैंने देखा कि वह तो मैं तो रस्सी से और स्लिंग से बधी हुई हूं बधी हुई थी होल्ड द रोप और फिर मुझे आवाज़ सुनाई दी होल्ड द रोप रस्सी को पकड़ो होल्ड द रोप रस्सी को पकड़ो आई कुड हियर द साउट ओके मैं इस चिल्ला मैं इस आवाज़ को चिल्लाते हुए सुन सकती थी आई समहा मैन इज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप मैंने जैसे तैसे समहाओ मीन्स कैसे करके भी हिम्मत करके मैंने रस्सी को पकड़ कर टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड मैंने जैसे तैसे रस्सी को पकड़ा और पुल मीन्स खींचा माई सेल्फ फॉरवर्ड और मैं खुद को आगे की ओर खींचने लगी आगे की ओर बढ़ने लगी स्लोली विथ समेज धीरे धीरे मुझे कुछ साहस आया थोड़ा साहस आया आई रीच्ड द रिवर बैंक और मैं नदी के किनारे पहुंच गई आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट द वाटर केम आउट ऑफ द वाटर तो वे कहती हैं आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस मुझे एक विशेष प्रकार की एक खास खुशी मुझे महसूस हुई जैसे कि मैं नदी से बाहर आ गई तो वे क्या कहती हैं कि मैं धीरे धीरे हिम्मत बटोरते हुए किनारे आ गई और नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क ठीक है और हैप्पीनेस कौन सी थी खुशी कौन सी थी एक चैलेंजिंग uh, जोखिम भरा काम कर पाने की वह खुशी थी हैप्पीनेस खुशी ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क ओके जोखिम भरे कार्य को पूरा करने पर मुझे खुशी मिली नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉच कॉलिंग आउट टू अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली और अब नदी के किनारे खड़े होकर मैं जोर जोर से दूसरों को कह रही थी कि आप रस्सी को जोर से पकड़ो ठीक है अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि रस्सी को टाइट से पकड़ो और मैं रस्सी पकड़ने के लोगों को सलाह दे रही थी आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉच आर रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज with करेज मैं जानती थी ओके okay? तो वे क्या कहती हैं? कि मैं जानती थी दैट confidence की यह विश्वास वॉच आर रिजल्ट ऑफ फेसिंग चैलेंज विथ करेज तो मुझे यह पता लग रहा था मैं यह जानती थी कि जो यह विश्वास मेरे पास आया है यह जो विश्वास मुझे मिला है जो यह साहस मुझे मिला है वह परिणाम है फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज मीन्स कि जोखिम से जूझने के बाद जोखिम से निकलने के बाद ही यह साहस और विश्वास मुझे मिला तो वे क्या कहती हैं वे कहती हैं कि अब किनारे खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सी कस कर पकड़ने की सलाह दे रही थी जोखिम से जूझने के बाद जोखिम से लड़ने के बाद जोखिम से निकलने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला यह उसी का परिणाम था ओके सो नाउ स्टूडेंट्स टुडे क्लास इज ओवर नाउ टुमारो आई विल बी बैक विथ another topic of this chapter so students till then revise whole chapter revise question answer do your activity work drawing work okay then i will be back tomorrow all right students so take care bye bye have a nice day thank you very much